पृथ्वी पर जितने भी चमत्कार हैं वे प्रकृति के रूप में हमारे द्वारा अनुभव किए जाते हैं। सुंदरता इस शब्द से परे प्रकृति हमें दिव्य अनुभव का आस्वाद देती है। ऐसा ही एक क्षेत्र महाराष्ट्र के कठोर पर्वतारोही सीने पर मासूमियत से प्रकृति की सुंदरता बरकरार रखते हुए जिंदगी की खुली सांसें ले रहा है, जिसका नाम है सुरगाना। नासिक जिले में स्थित सुरगाना नासिक शहर से 96 किलोमीटर और सापुतारा से केवल 25 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र और गुजरात के पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। सुरगाना जो एक संस्थान के रूप में उभरा, वह भदर संस्थान के पवार परिवार और राजे प्रतापराव देशमुख की देखरेख और छत्रछाया में बड़ा हुआ। हम अभी भी सुंदर लेकिन शानदार मोतीबाग उद्यान में संस्थानिकों की छाप और रुतबे को देख सकते हैं। सुरगाना की आधुनिकता की ओर बड़े कदम काबिले तारीफ है। सुरगाना के मजबूत लेकिन शुद्ध आदिवासियों के गले का एक असली ताबीज है चारों ओर बिछे प्रकृति और भौगोलिक सुंदरता। इस खूबसूरत श्रृंखला का पहला रत्न है हरण टेकड़ी गांव के पास खड़ा मजबूती की मिसाल 1500 मीटर ऊंचाई का केम का पर्वत। केम माता के मंदिर के प्रति भक्ति और पहाड़ की ऊंचाई से चुनौती दी गई मानवीय शक्ति केम के पर्वत पर भक्तों और ट्रेकर्स के रूप में दिखाई देती है। गिरिजा माता, नार और पार के नाम पर मिली नदियां और अन्य तीन नदियां भी इसी केम के सिर से निकलती है। यह सुंदरता बरसात के मौसम में ट्रेकर्स को चिन्हित करती है। दिवाली के दौरान यहां होने वाली तीर्थ यात्रा भक्तों के उत्साह को बढ़ा देती है। सुरगाना तालुका जहां बारिश का अच्छा प्रभाव है, वहीं केड़वन क्षेत्र में भिवतास जलप्रपात की मोहक सफेदी आपके भीतर के पर्यटक को बहुत उत्साही और ताजोतराना करती है। लगभग 1000 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला यह जलप्रपात पर्यटकों को कभी निराश नहीं करता है, क्योंकि ये बारहमासी है। भिवतास झरने में पर्यटन स्थल